हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। क्लास 6 आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 डेसिमल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट दिया है सिंप्लीफाई। 11 से लेकर 14 तक एक्सप्रेशन दिए हैं जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं 11। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं 11 को। इसमें दिया है 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678 माइनस 6.09। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डेसिमल जो दिया हुआ है ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है। सेकेंड डेसिमल में देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दैट मीन्स ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। थर्ड वाला डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो सभी को हम लाइक डेसिमल्स बनाएंगे, दैट मीन्स सभी के नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है, 3। तो सभी में हम 3 डेसिमल प्लेस बनाएंगे, 0 ऐड करके, 0 प्लेस करके, जिससे कि सभी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे कन्वर्टिंग गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। प्लस करना है, माइनस करना है, उसके पहले हम इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 37.6 ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो इसमें 2 जीरो और प्लेस कर लेंगे, तो अब ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया। 72.85 तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, तो 1 जीरो और लगा देते हैं, तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया। माइनस 58.678 यहाँ तो पहले से ही 3 डेसिमल प्लेस हैं, और 6.09 इसमें 1 जीरो और प्लेस कर देंगे, तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम साइन वाले जो डेसिमल उन्हें एक साथ लिखेंगे, दैट मीन्स 37.600 प्लस 72.850, इनकी ग्रुपिंग कर ली है, इन्हें पहले सॉल्व करेंगे, और ये दोनों ही माइनस वाले हैं, तो जो माइनस साइन वाले जो डेसिमल्स हैं इन्हें हम आपस में ऐड करेंगे। तो 58.678 ये माइनस वाला था, और 6.090 ये माइनस साइन के साथ था, तो ये दोनों ही माइनस साइन के साथ हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, 37.600 प्लस 72.850 इन्हें ऐड करके देखते हैं। तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 6 14 का 4, 1 कैरी, तो ये आगे नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट के साथ ऐड होगा। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10 का 0, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11, 110.450। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 110.450, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आती है, जो भी आएगी वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा उसे। तो 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 7 का 16 का 6, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर 8 प्लस 6 14 का 4, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, तो क्या आया 64.768, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, 64.768। अब इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली एक वैल्यू लेके आएंगे, दैट मीन्स 110.450 में हम सेपरेट करेंगे 64.768। तो यहाँ अलग से वर्किंग दिखा देते हैं कि कैसे सेपरेट किया और क्या डिफरेंस आया, और जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे लिख देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब 0 में 8 सेपरेट नहीं होगा तो 0 बोरो लेगा, तो 5 बोरो देने के बाद बन जाएगा 4, और 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। 10 में 8 सेपरेट करेंगे तो 2 आएगा, 4 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 4 बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से, दैट मीन्स 4 से बोरो लेगा, तो 4 बोरो दे के बन जाएगा 3, और ये 4 बोरो लेके बन जाएगा 14। 14 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। अब 3 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 3 बोरो लेगा इस 0 से, तो 0 के पास खुद कुछ नहीं तो ये इससे बोरो लेगा, तो ये 1 बोरो दे के बन जाएगा 0, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10, फिर ये बोरो देगा तो फाइनली ये बन जाएगा 9, और ये 3 बोरो लेके बन जाएगा 13। 13 में 7 सेपरेट करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। अब ये डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब 9 में 4 सेपरेट होगा तो 5 आएगा, और यहाँ 0 में 6 जाएगा नहीं तो 0 बोरो लेगा, तो ये 1 0 बन जाएगा, और ये 0 फाइनली बोरो लेके बन जाएगा 10। अब 10 में 6 सेपरेट होगा तो 4 आएगा, इधर 0 है तो इसके नीचे 0 ही लिखेंगे, दैट मीन्स 45.682 ये फाइनल डिफरेंस आएगा। तो 045 दैट मीन्स 45.682।
तो दिया हुआ जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था इसे सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाइड आंसर क्या आता है 45.682, यही इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया 75.3 माइनस 104.645 प्लस 178.96 माइनस 47.9। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, दैट मीन्स ये वन डेसिमल प्लेस का नंबर है। यहाँ डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डेसिमल डिजिट्स हैं, यानी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है। और 178.96 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। इसी तरह से 47.9 ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो मैगजीन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं, 104.645 में है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हम सभी को 3 डेसिमल प्लेसेस का डेसिमल बनाएंगे। और ये कैसे बनाते हैं, उनके राइट साइड में जीरो उतने ही जीरो प्लेस कर देते हैं जिससे कि वो मैगजीम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का हो जाए। तो यहाँ पर मैगजीम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 है, तो सभी को हम 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कन्वर्टिंग गिवन डेसिमल्स इंटू लाइक डेसिमल्स। अब यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल पॉजिटिव है, सेकेंड डेसिमल निगेटिव है, थर्ड डेसिमल पॉजिटिव है, फोर्थ डेसिमल माइनस साइन के साथ। तो जो प्लस साइन वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, और जो माइनस साइन वाले हैं उन्हें भी हम साथ में ग्रुपिंग कर लेते हैं, उन्हें साथ में ऐड करेंगे। 178.960 इनको एक साथ ऐड करेंगे, और माइनस वाले कौन से हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो माइनस में कौन सा है, 104.645, उसके साथ हम दूसरे माइनस वाले को ऐड करेंगे 47.900, और जो भी सम आएगा उसके सामने माइनस ही लगा रहेगा। तो पहले हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, 75.300 प्लस 178.960 अलग से हम यहाँ पे ऐड करेंगे इन्हें। तो ये वैल्यू आती है 254.260, तो यहाँ लिखेंगे 254.260, और ये माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सम आया है 152.545। अब क्या करेंगे, 254.260 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 152.545। तो अलग से सब्ट्रैक्शन यहाँ दिखा देते हैं और जो भी रिजल्ट आ गया यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम दिए हुए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस आया 101.715, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा 101.715। इस तरह से हमने दिए हुए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया हुआ है 213.4 56.84 माइनस 11.87 माइनस 16.087। तो माइनस 16.087 क्या है, 3 डेसिमल प्लेस का नंबर। देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट में 3 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, दैट मीन ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है, और ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, और ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो सभी को हम क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बना लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3। तो इन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सबको 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाते हुए। तो जैसे 4 है तो यहाँ पे 2 जीरो और प्लेस कर देंगे, यहाँ पर 1 जीरो और लगा देंगे, यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे, तो सभी 3 डेसिमल प्लेस के नंबर हो जाते हैं। तो आइए पहले कन्वर्ट करते हैं इनको लाइक डेसिमल्स में इस तरह से। अब ये 213.400 ये पॉजिटिव नंबर है, और बाकी सभी नंबर्स के साथ माइनस साइन लगा हुआ, दैट मीन्स सभी निगेटिव नंबर्स हैं। तो जितने भी माइनस साइन वाले नंबर हैं इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो 56.840 प्लस 11.870 प्लस 16.087, और इनका जो सम आएगा वो माइनस साइन के साथ ही आएगा, क्योंकि सभी क्या है माइनस साइन के साथ ही नंबर है, निगेटिव नंबर्स हैं। तो इन्हें अलग से ऐड कर लेते हैं। तो इन्हें ऐड करते हैं, 0 + 0 + 7 का 7, 7 + 4 ये 11, 11 + 8 19 का 9, 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 8 17 का 7 और 1 कैरी। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 6 + 1 7 + 1 8 8 + 6 14 का 4 1 कैरी, 1 + 5 + 1 + 1 8 84.797। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 213.400, और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इन तीनों का सम फाइंड कर लिया है, 84.797 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 84.797। अब 213.400 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 84.797, तो अलग से यहाँ पे सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है 128.603, तो यहाँ लिखेंगे हम
128.603। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है और फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है 128.603। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नंबर्स हैं 76.3, 7.666 माइनस 6.77। तो यहाँ पर ये टू डेसिमल प्लेस का नंबर है, ये थ्री डेसिमल प्लेस का नंबर है और ये वन डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हुए? थ्री। तो सभी को हम थ्री डेसिमल प्लेसेस का नंबर बनाएंगे और इस तरह से इन्हें हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो थ्री के राइट में टू जीरो लगा देंगे तो ये थ्री डेसिमल प्लेस का नंबर बन गया, ये तो ऑलरेडी थ्री डेसिमल प्लेस का नंबर है। और सेवन सेवन, इसके राइट में एक जीरो और प्लेस कर देंगे तो ये भी थ्री डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा। इस तरह से हम सभी को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लिख लेते हैं कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो यहाँ पर टू नंबर्स माइनस साइन के साथ हैं, यानी सेम साइन वाले नंबर को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो पॉजिटिव की बात करें तो ये नंबर नेगेटिव नहीं है तो ये अलग ही रहेगा, और बाकी दो नंबर नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ हैं, तो सेम साइन वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं। दैट मीन 7.666 ऐड होगा 6.770 के साथ, और इनका फाइनल जो सम आएगा उसका साइन क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। तो चलिए पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सम आया, इन दोनों का सम क्या आया? 14.436। अब 76.300 में माइनस करेंगे 14.436 को, और जो डिफरेंस आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जीरो में सिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इससे बोरो लेगा, इसके पास खुद कुछ नहीं तो इससे बोरो लेगा। थ्री बोरो देने के बाद बन जाएगा टू, और ये जीरो बोरो लेके बनेगा टेन, फिर बोरो देगा भी, तो देने के बाद नाइन बन जाएगा, और ये जीरो बोरो लेगा, देगा नहीं केवल लेगा, तो टेन बन जाएगा। टेन में सिक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो फोर आएगा, नाइन में थ्री सब्ट्रैक्ट होगा तो सिक्स आएगा। अब टू में फोर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो टू बोरो लेगा सिक्स से, तो सिक्स बोरो देने के बाद फाइव बन जाएगा, और ये टू बोरो लेके बन जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में फोर गया एट। अब ये डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फाइव में फोर जाएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी वन, और सेवन में वन सब्ट्रैक्ट होगा तो सिक्स आएगा। दैट मीन 61.864। तो यहाँ हम लिखेंगे, 61.864। इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसे। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज टू बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91। तो 74.5 में क्या हम ऐड कर दें जिससे हमें 91 मिल जाएगा? तो हमें यह पता करना होगा कि 91 से कितना लेस है 74.5, और जितना भी लेस होगा उतना ही ऐड कर देंगे तो 91 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 91 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 74.5 को। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम पता करेंगे कि 91 से कितना लेस है 74.5, और जितना भी लेस है उतना ही हम 74.5 में ऐड कर देंगे। तो अलग से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके देखेंगे यहाँ पर। तो 91 में माइनस करना है 74.5 को। तो यहाँ देखिए डेसिमल प्लेस में वन डिजिट है और यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं, तो यहाँ पर एक जीरो प्लेस कर देते हैं। अब 91.0 में 74.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ जीरो में से फाइव सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो जीरो इस वन से बोरो लेगा, और ये वन बोरो देने के बाद बन जाएगा जीरो, और ये जीरो बोरो लेके बन जाएगा टेन। टेन में फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव आएगा। अब जीरो में से फोर जाएगा नहीं तो जीरो क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा। तो नाइन बोरो देने के बाद बन जाएगा एट, और ये जीरो बोरो लेके बन जाएगा टेन। टेन में फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिक्स आएगा, और ये देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब एट में सेवन जाएगा तो वन आएगा। दैट मीन्स 74.5 91 से कितना लेस है 16.5। तो 74.5 में अगर इतना ही ऐड कर दें 16.5 तो 91 के इक्वल हो जाएगा, यानी 91 हमें मिल जाएगा। तो आइए आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं, ये हमें आंसर मिल गया है। हम लिखेंगे हैंस 16.5 इज टू बी एडेड, इज टू बी एडेड टू 74.5। 74.5 में हम क्या ऐड करें 16.5 अगर हमें 91 चाहिए टू गेट
91। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। 7.3 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 0.862 मिल जाए। तो हमें यह देखना होगा कि 7.3 0.862 से कितना ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा होगा, एक्सीड कर रहा होगा उतना लेस कर दें। दैट मीन 7.3 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.862 को। आइए सॉल्व करते हैं, तो वो रिक्वायर्ड नंबर हमें मिलेगा 7.3 में सब्ट्रैक्ट करने पर 0.862 को। तो 7.3 जितना भी ज्यादा है इससे 0.862 से, वो इसका डिफरेंस हमें मिल जाएगा, और उतना ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 0.862 मिलेगा। तो अलग से हमें डिफरेंस दिखा देते हैं, यहाँ पर 7.3 और ये 0.862, तो ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है, जबकि 7.3 1 डेसिमल प्लेस का नंबर, तो दो जीरो और प्लेस कर देंगे जिससे कि ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंस फाइंड करते हैं इनका, और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब ये जीरो में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इससे बोरो लेगा, तो ये खुद जीरो है तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस के पास जाएगा और उस डिजिट से बोरो लेगा, तो 3 बोरो देने के बाद बन जाएगा 2, और ये बोरो लेके बन जाएगा 10, और फिर बोरो देगा तो ये बन जाएगा 9, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। अब 10 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 3 आएगा। अब इस 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से, दैट मीन 7 से बोरो लेगा, तो 7 बोरो देने के बाद 6 बन जाएगा, और ये 2 बोरो लेके बन जाएगा 12। 12 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाइए, 6 में 0 गया तो 6 ही आएगा, दैट मीन्स 6.438। हेंस 6.438 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। 7.3 में 6.438 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.862 मिल जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है, इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।